अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपने चैनल एम आर ट्रेवल में डन मेडोज का एक एपिसोड डाला है जिसमें हमने रास्ते की अपडेट दी है और डन मेडोज का मनाजर दिखाया था। लेकिन हमने उस वक्त आपको बताया था कि हमने एपिसोड नंबर 2 भी लाना है, तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद हमने एपिसोड नंबर 2 लाया है और इसमें हम डन मेडोज का नज़ारा कराएंगे, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, तो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे हसीन हसीन मनाजर दिखाएंगे जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में शायद ही देखे हों। डन मेडोज अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक ऐसी नेचुरल प्लेस है जो के अनएक्सप्लोर प्लेस है। यहाँ के देहाती लोग ही इसको एक्सप्लोर करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लोर करते हैं और बहुत कम टूरिज्म लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उन्हें ना मालूम होने की वजह से शायद ये प्लेस छुपी हुई है। और सबसे पहले आपको गाइडलाइंस करता जाऊं कि खनिया के मकाम से इसका रास्ता आता है जो कि एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डन मेडोज की खूबसूरती। तो अगर आप इस जगह का ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपने खाने पीने का सामान साथ में लाना होगा और आपके माइंड में ये बात होगी कि अगर हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे तो हम रात को स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो देखें, बेहतर बात यही है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप एक दिन में ही आकर वापस चले जाएं। अगर आप नहीं चले जा सकते तो यहाँ पर एक हट बना हुआ है जो आप सामने देख सकते हैं, इसमें आप यहाँ पर रह सकते हैं। और एक हट यहाँ पर भी हुआ करता था और ये हट किसी ने जला दिया था और उसकी वजह से यहाँ पर जगह काफ़ी कम हो चुकी है और अभी एक ही हट रह चुका है जो आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। तो आप इस हट में भी रह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इस जगह का ट्रैक करने के लिए कौन सा मंथ दुरुस्त रहेगा, और अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई और अगस्त का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा, इन दोनों में आप आएँ और अपने सफ़र को काफ़ी यकीनी बनाएं। और इस जगह पर जाने के लिए आपके पास खाने पीने का सामान होना चाहिए जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता और आपको साथ में ही लेकर जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास कैंप है तो कैंप भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करने में माहिर हैं तो ये डन मेडोज ही नहीं बल्कि डन मेडोज के इर्द गिर्द और भी काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। कमेंट वगैरह में लोग पूछते रहते हैं इस जगह के बारे में कि फाइनली कितना टाइम लगता है डन मेडोज पर पहुंचने का। तो जब आप खनिया के मकाम पर पहुंच जाएं तो आप खनिया से डन मेडोज का जो सारा ट्रैक है
वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। और अभी रोड की सहूलत होने के बावजूद आपको चटरा तक गाड़ी ले आएगी और वहाँ से आगे आप 1-2 घंटे में आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और बेहतर यही है आप फर्स्ट टाइम वहाँ से निकलें और यहाँ पर सारा दिन एंजॉय करें और फिर लास्ट टाइम वहाँ से लने मेडो से अलविदा हो जाएं। और यहाँ पर हमने 2 दिन की ट्रैकिंग की और उसके बाद हमारा जो 2 दिन का ट्रैकिंग पर मुकम्मल हो गया। तो अब हमने जाने यहाँ से अपने घर की तरफ, तो घर जाके हमने पैकिंग अपनी कर लिया, तो फ्रेंड्स ने भी साथ में अपना अपना बैग है वो पैकिंग कर दिया और वो चले गए। तो यहाँ पर ये कैंप था और ये मेरा खाने पीने का सामान भी इसमें था और साथ में कम्बल वगैरह। तो अभी जाते हैं घर की तरफ। उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए और फिर हमने डन्ना मेडोज को अलविदा कह दिया।